दिल्ली को झुलसा रही भयंकर गर्मी, दिल्ली एनसीआर में लू ने ढाया कहर, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, दिल्ली का इंडिया गेट, यहां पर आप जिन लोगों पर नजर डालेंगे बेहद परेशान नजर आ रहे हैं, किसी के हाथ में छाता है तो किसी के हाथ में पानी का बोतल, तो कोई पसीना पोंछता नजर आ रहा है। वजह है दिल्ली की गर्मी। दिल्ली की गर्मी ने लोगों के न केवल पसीने छुड़ा दिए हैं बल्कि हाहाकार मचा दिया है। ये हालात केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों का है, जहां लू के कहर से हर कोई परेशान नजर आ रहा है। इस जानलेवा गर्मी से परेशानियों के बीच मन में ये सवाल भी है कि आखिर इससे निजात कब तक मिलेगी। दिल्ली एनसीआर और देश के नॉर्थ इलाकों को लू के कहर से निजात कब मिलेगी, इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले जो बाहर से दिल्ली में घूमने के लिए आए हैं उनकी क्या हालत है, उन्हीं से सुनते हैं। गर्मी का तो जी बहुत बुरा हाल हो रखा है। बच्चों के साथ आए थे घूमने, पर बच्चे भी अभी परेशान हैं बहुत ज्यादा। आप कहाँ से? हम पानीपत से, पानीपत सुमाल का। अब जरा ये भी जानते हैं देश के किन किन राज्यों में क्या हालात है, साथ ही दिल्ली एनसीआर के अलावा मौसम विभाग ने किन राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। देखिए, जनरली क्या है कि जो मई मंथ होता है वो साल का सबसे गर्म महीना होता है, और इस समय बहुत सारी जगह जो टेम्परेचर्स हैं, अगर रेनफॉल एक्टिविटी ना हो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, तो 45 डिग्री क्रॉस कर ही जाते हैं, और अभी भी यही सिनेरियो बना हुआ है कुछ दिनों से। और हमारा अनुमान ये है कि आने वाले एटलीस्ट वन वीक ऑलमोस्ट ऐसा ही सिनेरियो रहेगा। हमारा यही अनुमान है कि 5 दिन राजस्थान, स्पेसिफिकली वेस्ट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इसमें ऐसा ही सिनेरियो बना रहेगा, जिसके लिए हमने 5 दिन वहाँ रेड अलर्ट दिया है। और जब रेड अलर्ट दिया है कि लोगों को बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, इसका मीनिंग है कि जब दिन के टाइम जनरली उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब निकलते हैं अगर मजबूरी है तो सिर ढक के निकलना चाहिए, और इसके अलावा फ्लूड का इंटेक ज़्यादा रखना चाहिए, प्लस लाइट क्लोथ्स पहनने चाहिए। ये सारी एडवाइजरीज हम अपने NDMA की जो गाइडलाइंस हैं उस अपने बुलेटिन में ऐड करते हैं। लोगों को हाई प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अगर आप बाकी राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी आने वाले 3-4 दिन हीट वेव रहेगा, और उसके बाद थोड़ा वहाँ वेट हो जाएगा। उसके बाद हमारा अनुमान यह है कि ईस्टर्ली हवाएं आएंगी जो बे ऑफ बंगाल से आएंगी, तो थोड़ा टेम्परेचर डिप कर सकता है। और अगर आप नॉर्थ मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ भी आने वाले 5 दिनों में हीट वेव सिनेरियो बना रहेगा, और उसके लिए भी हमने ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। ऐसे में सबसे जरूरी बात यह है कि अपना बचाव खुद करें और बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकलें। खासकर सुबह 9 बजे के बाद और शाम के 5 बजे तक अपने घरों में ही रहें, ताकि इस जानलेवा लू की चपेट में आने से आप बचे रहेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।